टोनाली बिल्डर्स मकानों के निर्माता हमारे यहाँ साउथ के इंजीनियर द्वारा सही प्रकार के मकान विद मटेरियल के साथ बनाए जाते हैं। नक्शा फ्री में, लोन सुविधा उपलब्ध है। पता हनुमान कॉलोनी गुना, मोबाइल नंबर 9893057151। सोनाली ए टू जेड मोबाइल शॉप एंड रिपेयरिंग सेंटर, पता PHE के सामने हनुमान कॉलोनी गुना। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवा और आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की मुख्य खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की तमाम हेडलाइंस पर। PDS राशन की कालाबाजारी करने वालों पर गुना पुलिस की कार्यवाही। लगभग 4,50,000 रुपए मूल्य का चावल, बाजरा, गेहूं कुल 228 क्विंटल खाद्यान्न जब्त। राशन की कालाबाजारी करने वाले 5 गिरफ्तार। मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा श्री सतपाल जी महाराज का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। गुना मानव धर्म मंदिर विंध्याचल कॉलोनी में विशेष रूप से भजन संध्या का कार्यक्रम रखा गया। सभी भक्तों ने गुरु महाराज जी के दीर्घ जीवन की प्रभु से प्रार्थना की। पूरे प्रदेश में गुरु महाराज जी का जन्मदिन मनाया गया। ई श्रम कार्ड जागरूकता को लेकर निकाली गई रैली। देश में संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं आरंभ की जाती हैं, जिससे कि सभी श्रमिकों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाया जा सके। लेकिन काफी सारे श्रमिक ऐसे होते हैं जो योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र तो होते हैं, लेकिन किसी कारणवश भी योजना का लाभ प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। ऐसे सभी श्रमिकों के लिए भारत सरकार द्वारा ई श्रम पोर्टल का शुभारम्भ किया गया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल आजादी की 75वीं गांठ अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें CISF द्वारा साइकिल रैली का आयोजन किया गया। साइकिल सवार CISF के जवान मध्य प्रदेश के उन समाधि स्थल पर जाकर जिन वीरों ने आजादी के लिए अपनी जान न्योछावर की, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। महाराष्ट्र के एरवाड़ा जेल पुणे से 4 सितंबर को रैली निकली, 2 अक्टूबर को गांधी जी की समाधि स्थल राजघाट दिल्ली पहुंचेगी। विश्व परिषद बजरंग दल की खंड बैठक लक्ष्मीनगर सगतपुर रोड पर संपन्न हुई, जिसमें मुख्य अतिथियों द्वारा सर्वप्रथम राम दरबार का पूजन अर्चन किया गया। तत्पश्चात विभाग मंत्री सुरेश शर्मा का उद्बोधन हुआ। लापता युवक की परिजन कर रहे हैं तलाश। विगत 15 सितंबर से लापता है 21 वर्षीय राम प्रताप सिंह रघुवंशी। गुना जिले के रहने वाले राम प्रताप सिंह रघुवंशी का 15 सितंबर से कोई अता पता नहीं है। परिजनों के अनुसार राम प्रताप सिंह रघुवंशी पुत्र सुरेंद्र सिंह रघुवंशी निवासी बांसखेड़ी 15 सितंबर को घर से मंदिर की कहकर गया था, लेकिन आज तक उसका कोई पता नहीं चल सका। परिजनों ने पुलिस थाने में भी रिपोर्ट दर्ज कराई है, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लग सका। आंगनबाड़ी केंद्र बूढ़ेवाला जी पर पोषण माह के अंतर्गत कार्यक्रम किया गया आयोजित। कार्यक्रम में पोषण से संबंधित क्षेत्र के हितग्राहियों को दी गई समझाइश। महिलाओं एवं बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए गुना पुलिस अधीक्षक का नवाचार। महिलाओं की सुरक्षा के लिए ईगल मोबाइल तो सीनियर सिटीजन के लिए सुरक्षा के लिए चलाई जा रही सीनियर सिटीजन हेल्पिंग मोबाइल। गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा जिले में महिलाओं एवं सीनियर सिटीजन बुजुर्ग की सुरक्षा के लिए एक नवीन और अभिनव पहल की गई है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए शहर में निर्भया मोबाइल एवं शक्ति मोबाइल पूर्व से ही कार्यरत है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक नई मोबाइल ईगल मोबाइल और बनाई गई है। गुना जिले के रावगढ़ नगर में जन्मे स्वामी बालानंद सांसारिक नाम पुरुषोत्तम लाल कश्यप के समाज सेवी एवं धर्म परायण जीवन पर आधारित परिचय स्मारिका स्मृतांजलि का विमोचन प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने किया। योजनाओं के लक्ष्य पूरे करें, निर्माण कार्यों में गुणवत्ता हो, बोले जिला कलेक्टर। कलेक्टर ने जिला पंचायत निर्माण और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली, दिए निर्देश। कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए ने जिला पंचायत द्वारा संचालित निर्माण एवं विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान निर्देश दिए हैं कि निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ हों, सभी के लक्ष्य समय सीमा में पूरे किए जाएं।
जनहित में गंभीरता से दायित्वों का निर्वहन करें, अधिकारी बोले जिला कलेक्टर। लंबित पत्रों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने दिए निर्देश। कलेक्टर फ्रैंक नोबले द्वारा लंबित पत्रों की समीक्षा बैठक ली गई। समीक्षा बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि सभी अधिकारी आमजन के प्रति जवाबदेही और संवेदनशीलता के कार्य करते हुए आम नागरिकों की समस्या सुने और उन्हें पात्रता अनुसार लाभान्वित करें। शासन के निर्देश अनुसार जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गुना जिले के लिए जिला स्तरीय पर्यटन संवर्धन परिषद का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष कलेक्टर होंगे, बाकी सदस्य रहेंगे। पर्यटन संवर्धन परिषद में सदस्य के रूप में पुलिस अधीक्षक, मुख्य संरक्षक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, अतिरिक्त कलेक्टर अथवा संयुक्त कलेक्टर, सचिव, मुख्य नगरपालिका अधिकारी सदस्य, क्षेत्रीय प्रबंधक, राज्य पर्यटन विकास निगम सदस्य, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सहायक संचालक, पुरातत्व विभाग, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सदस्य रहेंगे। जिला पर्यटन संवर्धन परिषद गुना की बैठक होगी कल। डिप्टी कलेक्टर आरबी संतोषकर द्वारा दी गई जानकारी अनुसार जिला पर्यटन संवर्धन परिषद गुना की कार्यकारिणी समिति की बैठक 23 सितंबर को 10:30 बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की जाएगी। अवैध रूप से भंडारित खाद्यान्न जब्त, पुलिस द्वारा गोदाम मालिक के खिलाफ FIR की कार्यवाही। जिला कलेक्टर फ्रैंक नोबले द्वारा माफियाओं के विरुद्ध सख्त रुख अपनाया जा रहा है। इसी क्रम में गुना नगर में एक निजी गोदाम से 452 बोरी खाद्यान्न जब्त किया गया है। गोदाम के मालिक के विरुद्ध FIR दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। ये कार्रवाई पुलिस तथा सहायक खाद्य अधिकारी शिवराम कुशवाहा एवं तुलेश्वर कुर्रे द्वारा की गई है। कलेक्टर के निर्देश पर रामपुर चिम पहुंचे अधिकारी, मौके पर ही समस्याओं का किया निराकरण। जिला कलेक्टर फ्रैंक नोवेले द्वारा आम नागरिकों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाते हुए उनकी समस्याओं के मौके पर निराकरण के उद्देश्य अधिकारियों के दल ग्रामीण क्षेत्र में भेजे जा रहे हैं। इसी क्रम में अधिकारियों ने ग्राम रामपुर चिम पहुंचकर चौपाल लगाई और मौके पर ही नागरिकों की समस्याएं सुनकर उनका निराकरण किया। दिव्यांग ललित अपने पिता पर बोझ नहीं, कलेक्टर ने 600 रुपए प्रति माह पेंशन स्वीकृत की। जिला स्तरीय जन सुनवाई के दौरान आवेदक मनोज अहिरवार निवासी गुना द्वारा कलेक्टर फ्रैंक नोवले ने बताया कि उसका पुत्र ललित अहिरवार आयु 6 वर्ष 80% दिव्यांग है, उसे शासन योजनाओं का लाभ दिलाने का निवेदन किया गया। आवेदक की समस्या को सुनते हुए कलेक्टर द्वारा तत्काल मौके पर ही हितग्राही ललित अहिरवार का दिव्यांग पेंशन 600 रुपए मासिक स्वीकृत कराई जाकर स्वीकृति आदेश सौंपा गया। इसके साथ ही आवेदक की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए 5000 राशि सहायता रेड क्रॉस सोसाइटी से दिलाई गई। हरदेवी को 10000 रुपए की आर्थिक मदद। इसी प्रकार जन सुनवाई के दौरान श्रीमती हरदेवी प्रजापति वार्ड क्रमांक 19 कुशमोदा द्वारा कलेक्टर फ्रैंक नोवले को अपनी समस्या बताई गई। उसके पति ब्रजेश प्रजापति की दिनांक 22 अप्रैल को मृत्यु हो गई थी। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब है, अनुग्रह आर्थिक सहायता दिलाए जाने का निवेदन किया गया। कलेक्टर द्वारा अविदगा की समस्या का तत्काल निराकरण करते हुए उप संचालक सामाजिक न्याय विभाग गुना एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका गुना को निर्देशित किया गया। अविदिका को शासन योजनाओं के अंतर्गत पात्रता न होने से कलेक्टर ने परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए 10000 रुपए की आर्थिक सहायता रेड क्रॉस सोसाइटी से दिलाई। पंचायत भवनों में भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए। मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री की उपस्थिति में नवीन स्वीकृत 727 पंचायतों भवनों में भूमि पूजन कार्यक्रम 1 अक्टूबर 2021 की आवश्यक तैयारी हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए। जारी निर्देशों के क्रम में कलेक्टर फ्रैंक नोवेले द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नीलेश पारी को भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। स्कूलों में डेंगू से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारी को दिया प्रेजेंटेशन। कलेक्टर फ्रैंक नोवेले के निर्देश अनुसार बच्चों में डेंगू से बचाव के लिए स्कूलों में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। ये अभियान स्वास्थ्य विभाग के समन्वय चलेगा। स्वास्थ्य विभाग की चिकित्सकों ने जिला शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर सिसोदिया से भेंट कर उन्हें बच्चों को दी जाने वाली जानकारी से अवगत कराया। आबकारी विभाग गुना द्वारा 46 लीटर अवैध हाथ भट्टी मदिरा जब्त। कलेक्टर फ्रैंक नोवेले एक निर्देश अनुसार जिले में अवैध मदिरा निर्माण, विक्रय, परिवहन, संग्रहण की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान अंतर्गत जिला आबकारी अधिकारी गुना जगन्नाथ किराडे के मार्गदर्शन में ग्राम सिंहवासा चक में दबिश देकर कुल 46 वर्ग लीटर अवैध हाथ भट्टी शराब जब्त कर कुल 2 प्रकरण मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध कर व्यवस्था में लिए गए हैं।
प्लेसमेंट ड्राइव में 36 को मिला रोजगार। कलेक्टर फ्रैंक नोवेले के निर्देश अनुसार मध्य प्रदेश शासन की मनसानुरूप ITI गुना में वॉल्वो आयकर प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया गया, जिसमें गूगल फॉर्म द्वारा ऑनलाइन पंजीयन कर 175 बेरोजगारों ने अपना पंजीयन कराया। प्लेसमेंट ड्राइव में उपस्थित 67 आवेदकों ने साक्षात्कार दिया, जिसमें 36 बेरोजगार युवकों को ऑफर लेटर दिए गए। विभिन्न स्थानों पर किया जाएगा COVID-19 वैक्सीनेशन कार्य। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी अनुसार COVID-19 वैक्सीनेशन अंतर्गत 23 सितंबर 2021 को कोविशील्ड वैक्सीनेशन के प्रथम एवं द्वितीय डोज शहरी क्षेत्र के मानस भवन गुना शहरी स्वास्थ्य केंद्र बूढ़े बालाजी शहरी स्वास्थ्य केंद्र कुशमोदा सिविल डिस्पेंसरी कैंट रोटरी भवन टीकाकरण केंद्रों पर तथा कोवैक्सीन के प्रथम एवं द्वितीय डोज मानस भवन शहरी स्वास्थ्य केंद्र बूढ़े बालाजी गुना टीकाकरण केंद्र पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन द्वारा। नगर पालिका द्वारा शहर में प्रतिदिन फॉग मशीन चलाई जा रही है, जिससे कि मच्छर नष्ट हो सके और डेंगू मलेरिया का खतरा कम हो सके। श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन बाजार मंदिर पर मुनि संघ के सानिध्य में मनाया गया क्षमावाणी पर्व। क्षमावाणी पर्व हुए अभिषेक और शांति धारा। समाजजनों ने एक दूसरे से अपने द्वारा की गई ज्ञात अज्ञात त्रुटियों के लिए मांगी क्षमा। श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन बाजार मंदिर के 10 लक्षण पर्व बड़ी उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। 10 दिनों तक विधान और पूजा अर्चना और भक्ति के साथ रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। चाचौड़ा ब्लॉक के मोहिया खेड़ी सरकारी स्कूल को लेकर एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहां के ग्रामीणों ने जिला शिक्षा अधिकारी CS सिसोदिया से स्कूल के शिक्षक और एक दबंग द्वारा स्कूल परिसर में कब्जा करने की शिकायत की। ग्रामीणों ने कहा कि स्कूल भवन की बाउंड्री है, उसमें फूल सिंह नाम के व्यक्ति ने अपना निजी गेट लगा लिया, जबकि स्कूल परिसर में आने वाले दोनों गेट खुले रहते हैं। इसके बाद मामला संज्ञान में आते ही तहसीलदार चाचौड़ा एवं BRCC चाचौड़ा को मौके पर भेजकर मोयाखेड़ा विद्यालय की समस्या का समाधान कराया गया। जिले में संचालित नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालक छात्रावास एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय शासन आदेश अनुसार COVID-19 के निर्देशों का पालन करते हुए प्रारंभ हो गए हैं, जिसमें शासन के निर्देश अनुसार क्षमता से 50% के मान से बालिकाओं को आवासीय सुविधा प्रदान की जा रही है, जिसमें कक्षा 8वीं एवं 10वीं में दर्ज समस्त बालिकाएं एवं 50% में से शेष बची कक्षाओं की बालिकाओं को छात्रावास में रखा जाना है। छात्रावास में उपस्थित बच्चों को बेहतर आवासीय एवं शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। गुना में उधारी के पैसे वापस लेने और शराब लेने के मामले में एक व्यक्ति से 3 लोगों ने मारपीट कर दी। मारपीट में वह बुरी तरह से घायल हो गया, उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने तीनों लोगों पर मामला दर्ज किया है। घायल व्यक्ति का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। शासकीय प्राथमिक विद्यालय विनायक खेड़ी एवं शासकीय प्राथमिक विद्यालय कंचनपुरा में शाला प्रबंधन समिति के निर्वाचन की बैठक संपन्न हुई, जिसमें विनायक खेड़ी एवं कंचनपुरा विद्यालय पर अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं समिति सदस्य चुने गए। PDS राशन की कालाबाजारी करने वालों पर गुना पुलिस की कार्यवाही। लगभग 4,50,000 रुपए मूल्य का चावल बाजरा गेहूं कुल 228 क्विंटल खाद्यान्न जब्त। राशन की कालाबाजारी करने वाले 5 गिरफ्तार। गुना कैंट थाना पुलिस की कार्यवाही मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन द्वारा विगत दिवस वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा प्रदेश में पुलिस एवं प्रशासन के कार्यों की समीक्षा की गई थी, जिसमें पुलिस कार्यवाहियों में प्रदेश में गुना जिला प्रथम स्थान पर रहा। कॉन्फ्रेंस में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अपराधों पर नियंत्रण बनाए रखने, अपराधियों गुंडा बदमाशों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के, शासकीय राशन की कालाबाजारी करने वालों पर कठोरतम कार्यवाही करने, कानून व्यवस्था पर नियंत्रण बनाए रखने आदि के निर्देश दिए गए थे। गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा बताया गया कि विगत दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री से मिले निर्देश अनुसार जिले में कार्यवाही करने हेतु निर्देश पारित किए गए। इसी सिलसिले में आज प्रातः धरनावदा थाना क्षेत्र के ग्राम मुरादपुर से एक टाटा मैजिक क्रमांक MP08 GA 22
93 में PDS का राशन लेकर गुना तरफ आने की सूचना मिली थी। इस सूचना के प्राप्त होते ही शासकीय राशन की कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्यवाही हेतु नगर पुलिस अधीक्षक आकाश अमलकर के मार्गदर्शन में कैंट थाना प्रभारी निरीक्षक अवनीश शर्मा एवं उनकी टीम को लगाया गया। उक्त मैजिक गाड़ी की तलाश के दौरान पुलिस टीम को वे मैजिक गाड़ी टोल नाका बाईपास से दो खम्बा तिराहा जाते हुए दिखाई दी, जिसका पुलिस द्वारा पीछा किया गया तो वे आगे जाकर बाईपास पर एक गोदाम के अंदर जाकर खड़ी हुई। पीछे से पुलिस भी गोदाम के अंदर पहुंच गई एवं मैजिक गाड़ी में बैठे दो व्यक्तियों को हिरासत में लेकर नाम पता पूछने पर चालक द्वारा अपना नाम अंकित पुत्र रामदयाल नामदेव उम्र 26 साल निवासी नई सड़क गुनाबा, हेल्पर ने अपना नाम सिद्धांत पुत्र शंकर लाल कोरी उम्र 22 साल निवासी नई सड़क गुना होना बताया। पुलिस द्वारा मैजिक गाड़ी में रखे हुए कट्टों को खोलकर देखा तो उनमें चावल भरा हुआ था। गाड़ी में चावल के कुल 23 कट्टों में 11 क्विंटल 50 किलो चावल मिला एवं पुलिस द्वारा गोदाम के अंदर चेक किया तो उसमें भारी मात्रा में पूर्व से ही संग्रहित PDS राशन से भरे कट्टे मिले। माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं DGP महोदय द्वारा विभिन्न माफियाओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसी तारतम्य में खाद्यान्न माफिया के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी कैंट थाना अंतर्गत की एक बड़ी मात्रा में खाद्यान्न जो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का खाद्यान्न है उसको कालाबाजारी करते हुए और दूसरी जगह ले जाया जा रहा है, जिसका कि संग्रहण किया जा रहा है और वहाँ से आगे बेचा जाएगा। इसी सूचना पर TI कैंट अवनीश शर्मा एवं उनकी टीम ने उनको निर्देशित किया गया, घेराबंदी उनके द्वारा की गई और एक टाटा मैजिक को घेर कर पकड़ा गया जो कि गोदाम में बाईपास स्थित एक गोदाम में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का चावल खाली कर रहा था। यह 23 कट्टों में भरा हुआ 11 क्विंटल 50 किलो चावल था एवं इस गोदाम में इसके अतिरिक्त भी पूर्व से ही 355 कट्टे रखे हुए पाए गए, जिसमें कि 177 क्विंटल 50 किलो चावल, 60 कट्टों में 30 क्विंटल बाजरा एवं इस जूट की जो बोरियां होती हैं जो कि खाद्य विभाग की होती हैं जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सामान दिया जाता है, वो लगभग 1000 बोरियां वहां प्राप्त हुई हैं। इस प्रकार इस गोदाम में अवैध संग्रहण जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का किया जा रहा था, जो गरीबों के लिए अनाज होता है उसका संग्रहण करके और उसको विक्रय के लिए रखा जा रहा था। यह जो माल है यह झागर स्थित एक कंट्रोल की दुकान से लाया जा रहा था, जिसमें कि प्रियांशु अशोक शर्मा ये संचालित करते थे और वहाँ से ये सामान लाया गया था। इसके पूर्व का सामान भी विभिन्न दुकानों से लाया गया होगा। इस संपूर्ण कार्रवाई में जो कंट्रोल के जो मालिक है प्रियांशु शर्मा उसको गिरफ्तार किया गया है, जिसका गोदाम है ओम प्रकाश गोदाम घनश्याम साहू का है उसको गिरफ्तार किया गया है, जो गाड़ी है वो ओम प्रकाश प्रजापति की थी जिससे लाया जा रहा था उसको गिरफ्तार किया गया है। अभी इसमें विवेचना की जा रही है और इसमें सारे सूत्रों को देखा जाएगा कि ये किस तरह से गरीबों का माल चोरी करके ले जाया जाता था और बेचा जाता था। एक तथ्य इसमें और सामने आया है कि कुछ गरीबों को बहला फुसला कर जिनको 1 रुपये किलो ये माल दिया जाता है उनसे वापस 5-6 रुपये में उनको लालच देकर ले लिया जाता था और लेकर फिर ज़्यादा मात्रा में ये वापस बाजार में बेच दिया जाता था। इस प्रकार की भी कार्रवाई चल रही थी। इसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है 420(3)7 EC Act 120B और कालाबाजारी एवं चोर बाजारी अधिनियम के तहत भी इसमें जिला दंडाधिकारी महोदय से कार्रवाई के लिए निवेदन किया जा रहा है और वहां से इसमें कार्रवाई की जाएगी। विवेचना भी जारी है। जिस टीम ने ये कार्य किया है उसको पृथक से अच्छा पुरस्कार दिया जाएगा। ई श्रम कार्ड जागरूकता को लेकर निकाली गई रैली, देश में संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं आरंभ की जाती हैं, जिससे कि सभी श्रमिकों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाया जा सके। लेकिन काफी सारे श्रमिक ऐसे होते हैं जो योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र तो होते हैं लेकिन किसी कारणवश भी योजना का लाभ प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। ऐसे सभी श्रमिकों के लिए भारत सरकार द्वारा ई श्रम पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। इस पोर्टल पर सभी श्रमिकों से संबंधित जानकारी एकत्रित की जाएगी। इसी संदर्भ में आज गुना में इस श्रम जागरूकता को लेकर एक रैली निकाली गई। भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के सभी मजदूरों का डाटाबेस तैयार करा रही है, इससे यह पता लगे कि हमारे जिले में कितने असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, इनका डाटाबेस तैयार करा रहे हैं। ये किस संस्था द्वारा किया? ये CSC के द्वारा किया जा रहा है।
इसमें कितने कर्मचारी रहेंगे इसमें सीएससी में, ऐसे कितने कर्मचारी रहेंगे जो संग्रह करेंगे? मतलब सेंटर होंगे जिले में कुछ, जो भी जिले के सेंटर हैं उसमें जो जो जितने भी सीएससी पंजीकृत सेंटर हैं, पंजीकृत सेंटर हैं वही वही पंजीकृत करेंगे इन्हें। तो आज क्या सर जागरूकता रैली निकाली? हाँ, आज ये असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का ई श्रम कार्ड बनाए जाने हेतु जागरूकता रैली का संचालन किया गया है, निकाली गई। आपका शुभ नाम पद सर? मेरा सर नाम है राम कुमार चौदह, श्रम निरीक्षक प्रभारी श्रम कार्यालय अधिकारी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल आजादी की 75वीं गांठ अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें CISF द्वारा साइकिल रैली का आयोजन किया गया। साइकिल सवार CISF के जवान मध्य प्रदेश के उन समाधि स्थल पर जाकर जिन वीरों ने आजादी के लिए अपनी जान न्योछावर की, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। महाराष्ट्र के एरवाड़ा जेल पुणे से 4 सितंबर को रैली निकली, 2 अक्टूबर को गांधी जी की समाधि स्थल राजघाट दिल्ली पहुंचेगी। बुधवार को साइकिल रैली NFL विजयपुर पहुंची, जहां उनका स्वागत सत्कार किया गया। NFL के कार्यकारी निदेशक जगदीप सिंह और CISF के डिप्टी कमांडेंट सोनू सिंह ने हरी झंडी दिखाकर साइकिल रैली को कोलारस के लिए रवाना किया। आज CISF की रैली जो कि पुणे महाराष्ट्र से चली थी पहुंची है यहां पर NFL विजयपुर के एक पावन धरती पर। इन्होंने लगभग 1200 किलोमीटर का सफ़र तय किया है और आगे राजघाट तक जाना है। CISF जैसा कि हम जानते हैं हमारे सारे औद्योगिक संस्थानों का, एयरपोर्ट का और मेट्रो की निगरानी करते हैं, उनका ये काम सराहनीय है। और आज इस अमृत महोत्सव के मौके पर जो हम भारतवर्ष की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं, उसके लिए इन्होंने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है और अब ये यहाँ से कोलारस होते हुए राजघाट जाएंगे। मैं इन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और सबको इस आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के मौके पर मुबारकबाद देता हूँ। धन्यवाद जी सर। 75वीं आज़ादी की वर्षगांठ मनाई जाएगी, इसे अमृत महोत्सव बनाया जा गया, चूँकि महाराष्ट्र से CISF की जो साइकिलिंग रैली आई आज NFL में आई सर, उनका कैसा सत्कार किया, क्या अनुभव रहे? माननीय उच्च मुख्यालयों के निर्देशानुसार सभी पैरामिलिट्रीज को, सभी CAPF को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। 75वें वर्ष में 75 साइकिल रैली निकाली जा रही हैं, इसी क्रम में CISF का भी यह साइकिल रैली का द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है और ये यरवदा झील पुणे से शुरू होकर राजघाट पर जाके समाप्त होगी, जो कि 1703 किलोमीटर की यात्रा है। इसी क्रम में साइकिल रैली का 21 सितंबर को NFL विजयपुर में आगमन हुआ है और यहाँ पे हम लोगों ने उनका बहुत अच्छे से सत्कार किया है। आज मुख्य अतिथि द्वारा 22 सितंबर को यहाँ से फ्लैग ऑफ किया गया है। साइकिल रैली 22 सितंबर को ही कोलारस में पहुँचेगी और 23 सितंबर को माननीय विधायक महोदय कोलारस श्री वीरेंद्र रघुवंशी जी द्वारा इसे फ्लैग ऑफ किया जाएगा। साथ ही 24 सितंबर को शिवपुरी से जो कि तात्या टोपे जी माननीय का जो हमारे फ्रीडम फाइटर रहे हैं उनका समाधि स्थल है, वहाँ से उनका फ्लैग ऑफ माननीय सांसद महोदय श्री KP यादव जी जो कि लोकल सांसद हैं उनके द्वारा उसका फ्लैग ऑफ किया जाएगा 24 सितंबर को। इसी क्रम में रैली जो है 30 सितंबर को पहुँचेगी नई दिल्ली और एक दिन रेस्ट के बाद 2 अक्टूबर को राजघाट पर महात्मा गांधी जी की समाधि पर सभी लोग माल्यार्पण करके अपनी श्रद्धांजलि उनको देंगे। किन उद्देश्यों को लेकर सर ये साइकिलिंग CISF के द्वारा निकाली जा रही है? ये आज़ादी के अमृत महोत्सव है, 75 वर्ष जो है आज़ादी के हो रहे हैं, इसी क्रम में जो है ये सभी साइकिल रैली आयोजन की जा रही है ताकि आज़ादी के अमृत महोत्सव को सफल बनाए सके। विभिन्न जो फ्रीडम फाइटर्स हैं हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको श्रद्धांजलि दी जा सके और लोगों को इसके बारे में अवेयर कराया जा सके। लापता युवक की परिजन कर रहे हैं तलाश। विगत 15 सितंबर से लापता है 21 वर्षीय रामप्रताप सिंह रघुवंशी। गुना जिले के रहने वाले रामप्रताप सिंह रघुवंशी का 15 सितंबर से कोई अता पता नहीं है। परिजनों के अनुसार रामप्रताप सिंह रघुवंशी पुत्र सुरेंद्र सिंह रघुवंशी निवासी बांसखेड़ी 15 सितंबर को घर से मंदिर की कहकर गया था, लेकिन आज तक उसका कोई पता नहीं चल सका। परिजनों ने पुलिस थाने में भी रिपोर्ट दर्ज कराई है, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लग सका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवी हारे थे आप बांसखेड़ी। पता है क्या समस्या है?
मेरा भाई लापता है भैया, 15 तारीख से शाम 7:30 तक समथिंग निकला था घर से, उसके बाद कोई पता नहीं चल रहा है। लाश दिखाया वो अपने हम लोग के साथ सामने, उसके बाद मतलब पूरे कैमरे चेक करवा लिए मैंने, कहीं भी नहीं दिखा। कितनी क्या उम्र है उसकी? उम्र है 20-21 के समथिंग होगी उसकी उम्र। तो घर से क्या कह के निकले थे? घर से मंदिर की कह के निकला है, और उसके बाद कुछ पता नहीं है उसका। आज 8 दिन इसकी सूचना आपने थाने में दी? इसकी सूचना थाने में दे दी। तो उधर से कोई अभी? उधर से अभी तक तो कोई एक्शन नहीं लिया गया है, ओनली कैमरे चेक करवा दिए हैं, और उसके बाद हम लोग भी ढूंढ रहे हैं, बहुत परेशान है हम लोग भी। तो क्या चाहते हैं आप? ये चाहते हैं कि हमारा भाई घर पे आ जाए बस। महिलाओं एवं बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए गुना पुलिस अधीक्षक का नवाचार। महिलाओं की सुरक्षा के लिए ईगल मोबाइल तो सीनियर सिटीजन के लिए सुरक्षा के लिए चलाई जा रही सीनियर सिटीजन हेल्पिंग मोबाइल। गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा जिले में महिलाओं एवं सीनियर सिटीजन बुजुर्ग की सुरक्षा के लिए एक नवीन और अभिनव पहल की गई है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए शहर में निर्भया मोबाइल एवं शक्ति मोबाइल पूर्व से ही कार्यरत है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक नई मोबाइल ईगल मोबाइल और बनाई गई है, जिसमें मोटरसाइकिल पर 2 महिला कर्मचारी चलेंगी जो महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगी। ये मोबाइल पीजी कॉलेज, कस्तूरबा गांधी कॉलेज, महारानी लक्ष्मीबाई गर्ल्स स्कूल, कोचिंग संस्थानों एवं भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में भ्रमण कर महिला अपराधों पर नजर रखेंगी तथा महिलाओं के साथ किसी प्रकार के घटनाक्रम की सूचना पर ये मोबाइल तत्काल घटनास्थल पर पहुंचेंगी और नियमानुसार कार्रवाई करेंगी। गुना जिले में महिलाओं की सुरक्षा एवं हमारे बीच रहने वाले सीनियर सिटीजन्स, हमारे बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए विशेष पहल की गई है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमारी निर्भया मोबाइल पहले से ही कार्यरत है, उसके साथ ही अभी शक्ति मोबाइल भी चल रही थी। शक्ति मोबाइल और निर्भया मोबाइल के कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक लीगल ईगल मोबाइल हमने बनाई है, जिसमें कि लेडी चार्ली चलेंगी, महिला बल चलेगा मोटरसाइकिल से, जिस तरह से चार्ली चलते हैं उस तरह से महिला बल चलेगा, और वो महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास करेगा। तुरंत घटनाक्रम होने पर तत्काल पहुँचेंगे और वहाँ कार्रवाई करेंगी। ये महिला बल मोटरसाइकिलों पर रहेगा, कंट्रोल के माध्यम से या डायरेक्ट भी उनको सूचना दी जा सकती है, जिसका कि हमने नंबर भी प्रकाशित किया है, उस नंबर पर उनको सूचना दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनकी मदद के लिए भी सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन बनाई गई है, जिसमें ऐसे बुज़ुर्ग जो अकेले रहते हैं या जिन्हें किसी प्रकार की मदद की आवश्यकता है, दवाई इत्यादि की आवश्यकता है, या जिनका कोई नहीं है, उनके बीच में हमारी सीनियर सिटीजन मोबाइल पहुँचेगी, उनकी हर प्रकार की हर संभव सहायता का प्रयास करेगी, उनकी सुरक्षा का प्रयास करेगी। उसके लिए एक पृथक नंबर दिया जा रहा है, उस नंबर पर कोई भी सीनियर सिटीजन बता सकते हैं या उनके आसपास रहने वाले बता सकते हैं कि उनको किसी प्रकार की मदद की आवश्यकता है। ये दोनों नवीन एवं अभिनव प्रयोग किए गए हैं, नवाचार है, जनता से अपेक्षा है कि इसका लाभ उठाएं और इसके संबंध में अधिक से अधिक सूचनाएं हमें प्रेषित करें। श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन बाजार मंदिर पर मुनि संघ के सानिध्य में मनाया गया क्षमावाणी पर्व। क्षमावाणी पर्व हुए अभिषेक और शांति धारा। समाजजनों ने एक दूसरे से अपने द्वारा की गई ज्ञात अज्ञात त्रुटियों के लिए मांगी क्षमा। श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन बाजार मंदिर के 10 लक्षण पर्व बड़ी उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। 10 दिनों तक विधान और पूजा अर्चना और भक्ति के साथ रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। शाम को प्रवचन से पहले वैष्णव लक्ष्मण के आने थे, तो ऐसे महाव्यक्तियों के वचन असत्य नहीं होते। शासकीय प्राथमिक विद्यालय विनायक खेड़ी एवं शासकीय प्राथमिक विद्यालय कंचनपुरा में शाला प्रबंधन समिति के निर्वाचन की बैठक संपन्न हुई, जिसमें विनायक खेड़ी एवं कंचनपुरा विद्यालय पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं समिति सदस्य चुने गए। 2 साल आपको इस पद पर रहकर कार्य करना है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को 2 साल के लिए आप मनोनीत किए गए, 2 साल आपको यहाँ पर रहना है और 2 साल तक आपका माने बकायदा खाता रहेगा। हमने अपना समय निकाला, कीमती समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं अभी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में जो आपका माने मनोनीत किए गए हैं उनका नाम मैं बता रहा हूँ। अध्यक्ष पद के रूप में सुख देवी सहरिया,
मनोनीत किया गया है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो यहाँ पर आए।